नारायणपुर सीमा पर जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। अब तक 7 नक्सलियों के शव बरामद हो गए। हमने तभी आपको बताया था हताहत नक्सलियों की संख्या बढ़ेगी। अच्छी बात यह कि इस बार जवानों के संपर्क में नारायणपुर और दंतेवाड़ा एसपी है, मतलब लगातार कम्युनिकेशन जो जवान है उनसे चल रहा है। मौके से AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। 14 नक्सली ढेर, अब तक 14, 7 के शव बरामद कर लिए गए हैं। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। टीम पहुंची हुई थी अबूझमाड़ इलाके में, ऑपरेशन चल रहा है और अब इसमें बड़ा अपडेट ये 14 नक्सलियों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि शुरुआत में यह जानकारी मिली थी और 7 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ रहा है। सतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, मुठभेड़ का क्या अपडेट? जी, आपको बता दूं कि ये मुठभेड़ जो है सुबह से हो रही है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है, लगातार जो है वो इलाका बुजमाड़ा इलाका है, ज्वाइंट ऑपरेशन था और सुबह से मुठभेड़ हुई थी जिसमें 7 नक्सलियों के शव बरामद किए थे, 1 AK-47 बरामद किया था। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली कि जवान जब सर्चिंग कर रहे थे तो उस दौरान और मुठभेड़ हुई है और जबरदस्त इस बार मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों के मारे जाने की संख्या जो है बढ़कर 14 लगभग पहुंच गई है। हालांकि जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं कि लगातार जो है जवान अभी भी मौके पर मौजूद हैं और सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। जैसे जैसे सर्चिंग करते जवान आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है नक्सलियों के शव जो है रिकवर होते जा रहे हैं। जी हाँ, जानकारी ये भी मिल रही है कि जवानों के संपर्क में नारायणपुर और दंतेवाड़ा के SP हैं। क्या ये है इस तरह की बात? जी, लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ में ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहे हैं। ये ऑपरेशन जो है दंतेवाड़ा और नारायणपुर का ज्वाइंट ऑपरेशन था। दोनों के SP, नारायणपुर के SP प्रभात और दंतेवाड़ा के SP गौरव राय दोनों नजर बनाए हुए हैं। वॉर रूम में दोनों SP तैनात हैं, पल पल की जानकारी जवानों से ले रहे हैं, लगातार जो है जवानों के संपर्क में है और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। चूंकि शाम होते जा रहा है, घना जंगल है, तो जवानों को जो है वापस सुरक्षित कैंप लौटने के जो है आदेश दे रहे हैं और जैसे ही जवान कैंप लौटेंगे तो पूरी विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। तो ये तो तय है, इसमें कहीं कोई संशय तो नहीं है सतीश कि जवान सुरक्षित है? भले ही 14 नक्सलियों को उन्होंने ढेर कर दिया पर अब ये बेस कैंप लौटने का वक्त है। आज भी आपको बता दूं कि जब से जो है अमित शाह का दौरा जो है छत्तीसगढ़ में था उसके बाद में रणनीति बनी है और लगातार रणनीति में यही एक सबसे जो है सामान्य बात आई है पिछले कुछ दिनों से कि ऑपरेशन काफी सेफ चलाया जा रहा है, जवानों को किसी तरह का नुकसान हो इस बात का जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि लगातार इन इलाकों में कैंप खुले हैं, सुरक्षा बल का जो दायरा है वो काफी बड़ा है, नक्सलियों का दायरा सिमटते जा रहा है और जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है। इस ऑपरेशन में भी यही रणनीति अपनाई गई है, जवानों को किसी प्रकार का नुकसान फिलहाल तो नहीं है, सभी जवान जो है सुरक्षित सर्चिंग अभियान करते हुए वापस कैंप को लौट रहे हैं। जैसे ही कैंप लौटेंगे तो उसके बाद जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और बताया जा रहा है कि कुछ जवानों को मामूली खर्च आई है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो है घना जंगल है और जंगल पहाड़ियों में गोलियां चली है, तो वाजिब है कि कुछ जवानों को थोड़ी बहुत खर्च आई होगी, लेकिन अभी तक जो है सभी जवान सुरक्षित है, वापस कैंप की ओर लौट रहे हैं। जवान लौट रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर ये जो 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर हम दिखा रहे हैं, 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, तो ये उन चंद बड़ी मुठभेड़ में शामिल हो जाएगा सतीश जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। अब बता दूं कि पिछले काफी समय से कुछ महीने से खास करके जब से जो है प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए थे कि नक्सलवाद का खात्मा जो है मई 2025 में करना है, उसके बाद जो है बड़े ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नारायणपुर में इससे पहले भी एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें करीब 1.5 दर्जन नक्सली मारे गए, तो लगातार नक्सलियों को नुकसान जो है पहुंच रहा है। इससे पहले बीजापुर में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, कल जो है सुकमा में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें दोनों ओर काफी गोलीबारी हुई थी और हालांकि उसमें नक्सलियों के शव नहीं मिले लेकिन कुछ नक्सलियों के मारे जाने का दावा पुलिस कर रही है। तो फिलहाल पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ जवानों का आक्रामक ऑपरेशन जारी है और इसमें सफलता जवानों को मिल रही है। ये बात भी सही है, जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। एक और महत्वपूर्ण बात अपडेट कर दें अपने दर्शकों को, सतीश बने रहेगा हमारे साथ। 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लगभग ये तय है 14 की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले 7 नक्सलियों के शव बरामद होने की खबर आई थी और देखिए रफ्तार देखिए सबसे बड़े नेटवर्क की, खबर जब हम जानकारी दे रहे हैं तभी तेजी से अपडेट हो रही है। 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए, 14 का दावा किया जा रहा। सतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
सतीश, जिस तरह से पूरा ऑपरेशन चला है, कौन कौन सी बटालियन इसमें शामिल थी, अब तक तो जानकारी है कि दोनों जो नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जो जवान है वो रहे होंगे, इसके अलावा भी और कौन सी टीमें थी इसमें, क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान थे? जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरे ऑपरेशन में कोबरा और डीआरजी और बस्टर फाइटर और जिला बल के जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन था, लेकिन अभी तक जो है पुलिस अधिकारी काफी गोपनीयता बरत रहे हैं ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि इससे पहले जब भी ऑपरेशन जो है अगर खुलकर किया जाता तो इसका जिस बात का जो है भनक मेफियों को लग सकती है कि पूरे ऑपरेशन जो है गोपनीय तरीके से हो रहे हैं, और लगातार आप देख सकते हैं कि अभी जो है 12 जो है नक्सलियों के शव बरामद कर दिए गए, जैसे जैसे जवान आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जवान सर्चिंग करके लौट रहे हैं, क्योंकि होता यह है कि दरअसल नक्सल जवान जिस इलाके में मौजूद है वो नक्सलियों का आधार वाला इलाका है, पल पल में जो है खतरा बना रहता है, तो उस समय जो है तत्काल जो है जवान अपडेट नहीं दे पाते। ठीक ठीक ठीक, तो धन्यवाद सतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पूरे साल की बात कर ली जाए, 136 ढेर, 392 गिरफ्तार, 399 का सरेंडर, ये साल भर का आंकड़ा है। पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा देख लिया जाए, 150 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं।